इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस समाचार के प्रायोजक है दास बेकर्स शिव शक्ति विला, स्कीम नंबर 103 के सरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शासकीय स्कूल के बच्चे सैकड़ों की संख्या में करीब 20 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां शिक्षा व्यवस्था पर कई तरह के सवाल उठाए और कलेक्टर से न्याय मांगा। दरअसल खंडवा रोड स्थित ज्ञानोदय स्कूल के विद्यार्थी आज बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल सहित प्रबंधन, प्रिंसिपल और छात्रावास के वार्डन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। बच्चों का कहना था कि वह करीब 20 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। कलेक्टर कार्यालय के गेट पर बच्चों को रोक दिया गया, जहाँ काफी समय तक उन्होंने नारेबाजी की और सड़क पर बैठ गए। इस दौरान NSUI और ABVP के लोग भी मौके पर पहुंचे। मामले में बच्चों का कहना था कि एक विद्यार्थी बीती रात हॉस्टल में गिरने से घायल हो गया, जिसका उचित इलाज करवाने को लेकर वार्डन और प्रिंसिपल ने मना कर दिया, जिसके बाद विद्यार्थियों ने थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर घायल अरविंद को भोरगुआ क्षेत्र के एक अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं प्रदर्शन के दौरान एक बच्चे की भूखे पेट रहने के कारण तबीयत बिगड़ गई, जहां उसे पुलिस की डायल 100 में अस्पताल भेजा गया। काफी मशक्कत के बाद बच्चों ने कलेक्टर इलैयाराजा टी से मुलाकात की और अपनी तकलीफें बताई। वहीं कलेक्टर ने इस मामले में कहा कि बच्चों की समस्याएं दूर करने के लिए सकारात्मक आश्वासन उन्हें दिया गया है और मामले की जांच भी होगी। उनका मेनली ना 2-3 इश्यू है। पहला इश्यू है मतलब है ना, कल एक ना बच्चे ना एक्सीडेंट हुआ है, वैसे टीचर ने इमीडिएटली ना कार के माध्यम से हॉस्पिटल में एडमिशन किया है, बट उनका कहना है कि इवन प्रिंसिपल और वार्डन को और तत्परता दिखाना चाहिए टाइप का, बट वैसे बच्चे समय पे हॉस्पिटल में एडमिट तो हुआ है, मतलब उनका इलाज है ना शुरू हो गया है, बट बच्चे का कहना है कि पर्टिकुलरली ना 1-2 टीचर्स के ऊपर है ना मतलब इनके ना शिकायतें हैं। मैंने इमीडिएटली बोला कि ADM साहब को है ना इसका, राजेश राठौर का है ना, इसका जाँच दिया है, इसकी पूरी है ना जाँच होगी। उसके साथ साथ है ना कुछ है ना सब्जेक्ट्स हैं, गेस्ट टीचर्स हैं, बच्चे का कहना है कि हमें ना मतलब है ना एक रेगुलर है ना टीचर चाहिए। दूसरा है मतलब ना बच्चे का जब भी है ना कोई भी इश्यू होता है तो मतलब है ना हमें ना मतलब इमीडिएटली कोई भी इमरजेंसी पर्पज़ के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए मतलब व्हीकल चाहिए टाइप का। एंड NCERT बुक्स वगैरह उनकी लाइब्रेरी है, मतलब है ना वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो, मतलब है ना वो भी है। एंड जब उनका मेन कहना ये भी है, उनका प्रॉपर रिस्पॉन्स है ना मतलब है ना उनका वार्डन के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, मतलब ये कहना उनका है। तो हमने ये आश्वस्त किया कि मेरी नंबर भी शेयर किया एंड मैंने ADM को भी बोला है कि मतलब है ना इसका पूरी है ना डिटेल इंक्वायरी करा दें, चेंज है ना जांच करें, जांच के बाद है ना मतलब हम कोई भी है ना सामने आएगा तो हम लोग इसमें है ना कार्रवाई करेंगे। We'll be right back.